बहुत आप तो वो सीन देखने के बाद में हम लोग को बहुत दुखी हुआ है और हाईली कंडेमनेबल एक्ट है। गृहमंत्री जी अमित शाह जी ने तुरंत कल ही शाम को मेरे को टेलीफोन करके बोला कि तुम चिंता मत करो, सब प्रजा को भाषण दो, विश्वास दो कि हम कल ही स्पेशल डायरेक्टर CBI भेज रहा है उसके टीम के साथ। हम ये पब्लिक को, मणिपुर प्रजा को ये वचन देता हूँ कि जो कल्प्रिट है, जो मर्डरर है, उसको हम सजा देंगे ही देंगे। जो 3 मई से जो हुआ है, तो लास्ट सितंबर दो तीन महीना तो थोड़ा चल रहा था फायरिंग वगैरह छोटा छोटा, लेकिन एक डेढ़ महीने से अभी दोनों साइड से फायरिंग वगैरह बंद है, पीस रेस्टोर हो रहा है, अभी शांति आ रहा है। इसी बीच में दुखद की बात है कि जो मेरा अपने एक मैथिली लड़की और एक लड़का, जो एक तो 17 साल का है लिंथोइंगम्बे और एक तो है हेमंतजीत, तो दोनों को मिसिंग हुआ था जुलाई से तारीख में। तो उसी से हम लोग को उसके ट्रेस करने के लिए कोशिश काफ़ी किया, तो उसके कम्प्लेक्सिटी देख के हमने ये केस को 28 अगस्त को हम CBI को सौंपा था। तो कल एक वायरल वीडियो आया, पिक्चर आया कि वो दोनों का डेड बॉडी का फोटो दिखा के, तो उसी से थोड़ा स्टूडेंट बॉडी लोग यहाँ पे थोड़ा ह्यू एंड क्राई कर रहा है, क्योंकि हम लोग भी है, नॉट ओनली द स्टूडेंट बॉडी, हम लोग भी बहुत आफ्टर वो सीन देखने के बाद में हम लोग को बहुत दुखी हुआ है और हाईली कंडेमनेबल एक्ट है, तो जो कुकी मिलिटेंट ने किया है उसको हम हाइनेस का क्राइम बोलते हैं इसीलिए आज। लेकिन लकी बात यह है कि गृहमंत्री जी अमित शाह जी ने तुरंत कल ही शाम को मेरे को टेलीफोन करके बोला कि तुम चिंता मत करो, सब प्रजा को भाषण दो, विश्वास दो कि हम कल ही स्पेशल डायरेक्टर CBI भेज रहा है उसके टीम के साथ। तो होते हुए आज नून में आ गया, और CBI का स्पेशल डायरेक्टर है अजय भाटनगर IPS, वो अलोंग विथ हिज टीम आ गया और जो घटना हुआ है उसी के साइड में विजिट किया हुआ है। तो अभी हम वो आने के बाद में हम मिलेंगे और हम ये पब्लिक को, मणिपुर प्रजा को ये वचन देता हूँ कि जो कल्प्रिट है, जो मर्डरर है, उसको हम सजा देंगे ही देंगे।